वेलकम टू आवर चैनल ब्रोकन कोड्स। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा संचालित कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में जानेंगे और वर्ष 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा संचालित कुछ प्रमुख योजनाओं से। उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, पहली योजना है उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना 2021। इसे शुरू किया था 2021 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, जो उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना 2021 का उद्देश्य ये था, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो उनके नवजात शिशु हैं उनको पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाए। तो उसके लिए स्कीम चलाई गई और उनको मौसम के अनुसार अनुकूल वस्त्र प्रदान किए जाएं, ये इस योजना का उद्देश्य था। सेकेंड योजना है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, जिसको शुरू किया गया था 22 मई 2021 को। इस योजना का उद्देश्य था कि कोरोना महामारी के टाइम पर जो भी बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं, उनको 21 साल तक सरकार उनका खर्च उठाएगी, जिसमें 3,000 रुपये प्रति माह उनको दिए जाएंगे, उनका भरण पोषण का खर्चा उत्तराखंड सरकार उठाएगी और उनकी शिक्षा व्यवस्था का खर्चा भी सरकार उठाएगी और उन्हें सरकारी नौकरियों में 5% का आरक्षण भी दिया जाएगा। ये थी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। तीसरी है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, जो कि 17 जुलाई 2021 को शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत किसी भी माता पिता के घर में बेटी के जन्म लेने पर उनको एक किट प्रदान की जाएगी। चौथी है ई कंसल्टेशन सुविधा, जो 24 मई 2021 को शुरू की गई। इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य था उत्तराखंड में प्राथमिक से माध्यमिक स्तर के शिक्षकों व उनके स्वजनों के लिए कंसल्टेशन सुविधा शुरू की जाए। पांचवी योजना है दीनदयाल किसान कल्याण योजना उत्तराखंड, जिसको शुरू किया गया था 6 फरवरी 2021 को। दीनदयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना का ऑब्जेक्टिव था कि 0% की ब्याज दर पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराना। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि दीनदयाल किसान कल्याण योजना उत्तराखंड के अंतर्गत किसानों को कितने परसेंट की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो जिसका आंसर है 0%। और जो इस लोन की जो लिमिट होगी, ऋण की लिमिट होगी, वो होगी 3 से 5 लाख। अब 3 लाख का लोन किसे दिया जाएगा, 5 लाख की लोन की लिमिट किसकी होगी? जो किसान सिंगल हैं और जो सीमांत क्षेत्रों में, यानी कि जो बॉर्डर वाले इलाकों में रहते हैं, उन किसानों को 3 लाख लोन दिया जाएगा और जो किसान संघ है उन्हें 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा बिना ब्याज के। छठी योजना है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2020। इसको शुरू किया गया था 8 अक्टूबर 2020 को। इसका ऑब्जेक्टिव था बेरोजगार युवाओं, किसानों और प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना। जो प्रवासी मजदूर कोविड के टाइम पर दूसरी स्टेट से उत्तराखंड में फंस गए थे, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, तो उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 28 मई 2020 को स्टार्ट की गई। इसका ऑब्जेक्टिव था उत्तराखंड में स्वरोजगार को बढ़ावा देना। उत्तराखंड में रूफ टॉप सोलर योजना फेज 2, ये योजना शुरू की गई थी 22 जनवरी 2020 को। यदि कोई अपने घर की छतों पर सोलर पैनल सिस्टम लगवाना चाहता है तो उसे सरकार सब्सिडी देगी, जो कि एक ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है सोलर पैनल। आंचल अमृत योजना 7 मार्च 2019, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को हर वीक में या सप्ताह में 2 दिन 100-100 ml मिल्क प्रोवाइड किया जाए, दूध उन्हें प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, इसे 21 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव था कृषि को बढ़ावा देना। अब है देश को जानो, ये योजना किसके लिए थी? ये थी 10वीं कक्षा में जो टॉप रैंकर्स बच्चे थे उनको उत्तराखंड सरकार उनका भारत भ्रमण का खर्चा उठाएगी और उन्हें भारत भ्रमण पर भेजा जाएगा और इस योजना की शुरुआत हुई 15 अगस्त 2019 को। लास्ट है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना, ये शुरू की हुई, ये भी शुरू हुई 15 अगस्त 2019 को और इसका ऑब्जेक्टिव था महिला उद्यमियों, यानी कि जो महिला बिजनेसमैन है उनको बढ़ावा देना, उनको प्रोत्साहन देना। अब है करंट अफेयर्स के कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस, जिसमें पहला है उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने इस समय, गुरमीत सिंह। सेकंड है कोरोना वायरस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर है ललित शौर्य। उत्तराखंड के किस संस्थान को NIRF रैंकिंग 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर संस्थान का दर्जा मिला है और वो संस्थान है IIT रुड़की। NIRF रैंकिंग प्रोवाइड करती है MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। NIRF का मीनिंग होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। उत्तराखंड पुलिस ने मोबाइल ऐप तैयार किया है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, इस ऐप का नाम है गौरा शक्ति ऐप। उत्तराखंड का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ये बनाया गया है पवनदीप राजन को। पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के विनर रहे हैं। देश के सबसे ऊंचे हर्बल गार्डन की स्थापना कहाँ पर की गई है, ये की गई है माणा विलेज में जो कि चमोली में है। देवभूमि रत्न सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, देवभूमि रत्न सम्मान दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। कुमाऊं का पहला ऑर्किड गार्डन किस जनपद में बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा पिथौरागढ़ में।
और उत्तराखंड का पहला ऑर्किड गार्डन है गोपेश्वर में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किस मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है? वो की गई है बगवाल मेले को। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। जिम कॉर्बेट की जानकारी के लिए एक बुक है बर्निंग ब्राइट, इसके लेखक कौन है? हरी निहाल सिद्धू। उत्तराखंड की एक झील जिस पर ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, ये प्रपोज्ड है और ये निर्माण किया जाएगा टिहरी झील के ऊपर। अब है उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने हैं, ये बने सुखबीर सिंह संधु और ये 17वें मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड सरकार के। 11 जुलाई 2021 भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान खोला गया है, ये खोला गया है देहरादून में। ऑपरेशन मर्यादा अभियान की शुरुआत की गई, ये की गई उत्तराखंड पुलिस द्वारा। उत्तराखंड चिकित्सा रत्न से सम्मानित किया गया है हेमचंद्र पांडे को। देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर या वन चिकित्सा केंद्र बनाया गया है रानीखेत, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया, ये किया गया ऋषिकेश में। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलिक टू युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, ये किया गया रानीखेत में, और रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है। देश का पहला महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला राज्य बना, ये बना उत्तराखंड। सो उत्तराखंड महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति एवं परंपरा को बढ़ावा देने के लिए राज्य का सबसे बड़ा अर्पण एम्पोरियम बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा देहरादून में। कोटद्वार का नया नाम रखा गया है कण्व नगरी, क्योंकि ये कण्व ऋषि की तप स्थली रही है कोटद्वार। विश्व हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर दिवाकर भट्ट। राष्ट्रीय महोत्सव के लिए कौन सी फिल्म चयनित की गई है? ये फिल्म है इन इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक बाल फिल्म है। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है प्रीतम भरतवाण को, और प्रीतम भरतवाण को इनके निकनेम जागर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। अब है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के द्वारा देश विदेश के लोग उत्तराखंड की संस्कृति को घर बैठे जान सकेंगे। इस ऐप का नाम है ओहो ऐप। अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। वीरांगना तीलू रौतेली सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया, ये किया गया रेखा नेगी को। उत्तराखंड ने स्की माउंटेनियरिंग में पहला स्थान प्राप्त किया, ये इन्होंने प्राप्त किया खेलो इंडिया विंटर गेम्स में, और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था गुलमर्ग, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, JNK में है। उत्तराखंड जिसने पुलिस विभाग में महिला कमांडो दस्ता तैयार किया है, देश का चौथा राज्य बन गया है। उत्तराखंड पुलिस देश की चौथी राज्य पुलिस है जिसने महिला कमांडो दस्ता एक अपने पुलिस डिपार्टमेंट में तैयार किया गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच साइंस सिटी परियोजना के निर्माण हेतु समझौता हुआ है। साइंस सिटी परियोजना का निर्माण कराया जाएगा देहरादून में। उत्तराखंड का पहला बाल थाना जुवेनाइल पुलिस स्टेशन खोला गया है, ये खोला गया देहरादून में। कुमाऊं का पहला साइबर थाना खोला गया है रुद्रपुर में, और उत्तराखंड का पहला जो साइबर थाना था वो था देहरादून में, जो कि 2015 में खोला गया था। फिर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा पंतनगर में। उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी बनाई जाएगी उधम सिंह नगर में। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है हेमंत कुमार पांडे को। गणतंत्र दिवस 2021 पर राजपथ में उत्तराखंड की झांकी, केदारखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? गणतंत्र दिवस 2021 पर उत्तराखंड की झांकी निकली थी, केदारखंड को उसमें रिप्रेजेंट किया गया था, और उत्तराखंड ने किस झांकी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। उत्तराखंड की पहली लाइफ स्टाइल मैगजीन है डिस्कवर। बालिका दिवस 24 जनवरी के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी सृष्टि गोस्वामी। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार लिंगानुपात सूची में उत्तराखंड कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये क्या है 9th, और उत्तराखंड का इस समय करंट जो लिंगानुपात है वो है 949 to 1000, यानी कि 1000 मेल्स पर 949 फीमेल्स हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जैविक उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उगाई जा रही पहली फसल डेनमार्क को निर्यात की जाएगी, वो फसल कौन सी है? ये फसल होगी बाजरे की। उत्तराखंड का प्रथम लोक देवता म्यूजियम और सल्ट अल्मोड़ा में खुलेगा। सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका 21 मई 2021 को निधन हो गया था, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? वो एक पर्यावरणविद या फिर एनवायरमेंटलिस्ट थे। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी में खुला है, और भारत का पहला मॉस गार्डन नैनीताल उत्तराखंड में खुला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। तब तक लिख कीप स्टडिंग।